हेलो गाइज, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप करोड़ेश के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मैं आज बताने वाला हूं कि आलू में झुलसा रोग ज़्यादा पाला सताने की क्या दवा होती है, उसको डालने से आलू से कैसे पाएं झुलसा रोग से छुटकारा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले आलू में जब अधिक पाला ठंड पड़ती है तो उसमें झुलसा रोग लगने का ज़्यादा प्रकोप रहता है, जिससे हम दवा का छिड़काव करते हैं। दवा M45 का छिड़काव जो एक बार करने से आलू 8 से 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक सुरक्षित रहते हैं, उसके बाद हमें फिर छिड़काव करना चाहिए। ऐसे किसान भाई छिड़काव कर रहे हैं। इसमें भी दिखाएंगे तुमको झुलसा रोग लग चुका है, पत्तियों में सिकुड़न पना चुकी है। ये देखिए, इसी तरह से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। M45 का 10 से 15 दिन के अंतर पर आलू पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे हमें झुलसा रोग से बच सके। ये देख लीजिए, पीली पत्ती हो चुकी है, इसमें लग चुका है। इसे बचाने के लिए किसान भाई छिड़काव कर रहे हैं। इसको ये दवा है M45 के सॉफ्ट नाम से है। ये 100 ग्राम का पैकेट होता है, इसको प्रति टंकी में 50 ग्राम डाला जाता है, मतलब दो टंकी की दवा है। इसमें प्रत्येक टंकी में 50 ग्राम डाला जाता है, तो डालकर अच्छी तरह से छिड़काव करें। 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारा झुलसा रोग पाला सताएंगे नहीं, आलू अच्छी होगी उपज। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय, नमस्ते।